हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो देखिए, हमने टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन का टॉपिक शुरू किया था। उसका बेसिक हमने जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत इसके पीछे लगता है वो हमने पहली वीडियो में समझ लिया था, जो उसकी क्लास वन थी। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो देखिए पटवारी एग्ज़ाम, जो पिछले पटवारी एग्ज़ाम उसमें भी जो क्वेश्चन आए उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला मैं आपको डालता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए मैन बॉक्स 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, ही विल बी लेट बाय 40 मिनट्स। इफ़ ही वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर, हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स्ड टाइम विल ही रीच। तो देखिए, मैं हिंदी में अब आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो वे 40 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक, लेट कितना पहुंचता है? 40 मिनट लेट पहुंचता है। अगर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तय करे, तो वे जितना टाइम उसे पहुंचना चाहिए उसे 40 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक, तो और आगे दे रखा कि अगर वे इस दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे, तब आपने बताना कि वो कितनी तय समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक, तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। और देखिए, इस क्वेश्चन करने से आप, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया खुद से, तो आप मान लीजिए और क्वेश्चन भी टाइम एंड डिस्टेंस के कर लेंगे, क्योंकि आपको पटवारी में इससे सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, मेरी मानकर चलिए। ठीक, तो देखिए, आपको बताना कि अगर वो इस दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे, तो वे तय समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं इसका किसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। उस दूरी को वो तय कितनी स्पीड से कर रहा है, किस चाल से वो चल रहा है? तो 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। तो हम निकालेंगे समय, तो समय आ गया हमारे पास 4 घंटे। परंतु देखिए, ये जो 4 घंटे हैं, मतलब कि उसे पहुँचने में 4 घंटे लगने चाहिए। अगर वो 5 किलोमीटर, मतलब कि देखिए, अगर वो 5 किलो, देखिए आप अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन आप खुद में खुद कर लेंगे। ठीक, हमें देखिए पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ पहुँचने में टाइम लगता कितना है। जो भी 20 किलोमीटर की दूरी है, मान ली 20 किलोमीटर दूरी का उसका स्कूल पड़ता है, तो स्कूल जाना उसने, तो एक्चुअल टाइम लगता कितना लगता है टाइम वहाँ पहुँचने में। तो देखिए, वो ये जो 4 घंटे निकल कर आया ना, ये 4 घंटे जो तय टाइम है, जो फिक्स टाइम है, उससे 40 मिनट लेट है ये 4 घंटे। क्योंकि देखिए, 20 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तय करता है, तो इसका मतलब वो 4 घंटे में पहुंच रहा है, परंतु वो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब कि ये 4 घंटे, अगर मैं 4 घंटे में 40 मिनट निकाल दूँ, तो मेरे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा कि जिसमें उसे वहाँ पहुँचना चाहिए था। क्योंकि आप क्वेश्चन समझ रहे कि वो 4 घंटे में पहुँच रहा है इस रफ्तार से, परंतु ये जो 4 घंटे है वो लिख रहा है कि वो 40 मिनट लेट पहुँचा। वो 4 घंटे तय, मतलब कि 4 घंटे की दूरी तय करने के बाद स्कूल पहुँचा, परंतु वो 40 मिनट लेट था। तो इसका मतलब आप समझे कि उसे पहुँचना कब था, तो यानी कि मैं 4 घंटे में से 40 मिनट माइनस कर दूंगा, तो 40 मिनट को पहले मैं घंटे में बदल सकता हूँ। कैसे बदलूंगा? 40/60 कर दूंगा। तो एक्चुअल समय, यानी कि कैसे लिखूँ, यानी कि एक्चुअल समय क्या होगा? तो एक्चुअल समय होगा 4 घंटे माइनस 40/60। 40/60 यानी 20, 30, 0 से 0, यानी कि 4 - 2/3, तो मेरे पास है 12 - 2, 10/3 घंटे। यानी कि एक्चुअल टाइम जे है, इतने टाइम उसे वहाँ पहुँचना चाहिए था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो इसी दूरी को, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी को अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे, तो वे फिक्स टाइम से कितनी जल्दी पहुँच जाएगा। तो अब देखिए, दूरी 20 किलोमीटर ही है, अब टाइम दे रखा 8 किलोमीटर, 2 से 4, 10, 5, 2, यानी कि अब कितना टाइम है? 5/2 घंटे। तो हमने बताना कि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब वो चला उस दूरी को तय करने में 20 किलोमीटर, तो जो वो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा फिक्स टाइम से, जब तय टाइम से, तो तय टाइम जो एक्चुअल टाइम 10/3 है, वो पहुंच रहा 5/2। हम मैं 10/3 में से 5/2 घंटे माइनस कर दूंगा, फिर मैं देख लूँगा वो कितनी जल्दी पहुंच गया। तो सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा 10/3 - 5/2। देखिए, अब एलसीएम निकालना चाहते हैं, 20 - 15, तो 20 में 5/6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5/6 घंटे। अगर आपका आंसर मिनट में दे रखा होगा, तो आप 5/6 घंटे को मिनट में बदल सकते हैं। 5/6 घंटे को आप मिनट में कैसे बदलेंगे, बताइए मुझे, क्या करेंगे आप? 60 से गुणा करेंगे या 60 से भाग करेंगे? मैंने आपको बताया कि बड़ी इकाई को जब भी आप छोटी इकाई में बदलेंगे, तब गुणा करेंगे। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलेंगे, तब आप क्या करेंगे? भाग। यानी कि मैं 60 से गुणा कर दूंगा, 6 10, यानी 50 मिनट आंसर हो जाएगा, 50 मिनट आंसर। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को
कर सकते हैं 50 मिनट आपका राइट। देखिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, परंतु मैंने आपको बोल दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन कह दूँ तो आप अपनी किताब में या कापी में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। वैसे आपको समझ आना चाहिए, वो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको कोई कहीं कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा आपको वो पटवारी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एन एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि अगर एरोप्लेन कुछ दूरी को, मैंने मान ली कोई कुछ दूरी है, उसे भी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में तय कर लेता है। हमें पता नहीं वो दूरी कौन सी है, परंतु वो कह रहा है कि स्पीड यानी कि चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो चले तो भी उस दूरी को 5 घंटे में कवर कर लेता है। हमें दूरी नहीं पता वो। तो क्वेश्चन ये है कि सेम दूरी है, उसको आपने 1/2/3 घंटे में कवर करना हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो बस ये निकालना है। देखिए मान ली, ऐसा सोच ली कि 2 क्वेश्चन को उसने 1 क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक। तो आपने देखिए निकालना इस क्वेश्चन में कि अगर सेम दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस को 1/2/3 घंटे में कवर करना हो, जब घंटे में तय करना हो तो चाल होगी, तो उसे किस चाल से एरोप्लेन को उड़ना होगा, तो चाल होगी। तो जी आपने बताना है। अब मुझे बताइए, देखिए इस क्वेश्चन आपने निकालना क्या चाल। देखिए आप चाल कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको दूरी हो, समय पता हो, समय आपको दे रखा है, दूरी नहीं पता। देखिए अगर आपको दूरी नहीं पता परंतु क्वेश्चन में ऐसा कोई ना कोई हिंट जरूर दे रखा हो जिससे आप दूरी पता कर सकते हो, नहीं तो अगर दूरी अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे ही ना रखा हो जिससे दूरी निकल ही नहीं सकती तो फिर क्वेश्चन डालने कोई फायदा नहीं, फिर तो जो क्वेश्चन वेस्टलेस होगा, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकाला नहीं जा सकता। आपने चाल निकालनी, चाल निकालने के लिए आपको दूरी और समय पता होना चाहिए। समय दे रखा है, आपको दूरी नहीं पता। दूरी निकालने के आपको परंतु हिंट दे रखा है ऊपर कि वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है। तो दूरी तो सेम है, जो ऊपर दूरी तय कर रहा है वही दूरी, अब आपने इस तरफ इधर ही वही उतनी दूरी तय करनी है आपने। सिर्फ समय का खेल है कि ऊपर आप वो दूरी 5 घंटे में तय करते, अब आपको पहले से कह रखा कि आपने इस टाइम में ही तय करनी, तो आपकी चाल कितनी होगी, ठीक। तो देखिए ऊपर स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है, समय दे रखी है, तो दूरी तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एक ही है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। दूरी निकालनी तो चाल के साथ समय गुणा हो जाएगा, यानी कि चाल गुणा समय हो जाएगा। तो चाल तो 240 किलोमीटर गुणा 5 घंटे तो कितनी हो जाएगी, 0/5/12, यानी कि दूरी आई तो 1200 किलोमीटर होगी। अब आपके पास दूरी आ गई, आपने चाल निकालनी, समय दे रखा, तो क्वेश्चन क्या होगा, आप चाल निकालनी है आपने, तो चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। दूरी आपने निकाल ली, तो दूरी आपने निकाल ली 1200 किलोमीटर, समय आप 1/2/3 यानी कि 3 × 3 तो 5/3 घंटे, जब बटे 3 करूँगा तो 3 चला जाएगा ऊपर में, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो 5 से जो कट जाएगा 10/2/40 यानी कि 720 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो उस दूरी को अगर चले तो भी उस दूरी को 1/2/3 घंटे में तय कर सकता है, यानी कि उसकी रफ्तार होनी चाहिए 720 किलोमीटर प्रति घंटा अगर 1/2/3 घंटे उस दूरी को कवर करना है तो, ठीक। ये क्वेश्चन पिछले बार पटवारी एग्जाम में पूछा गया, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करेंगे, परंतु मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो, ताकि अगर आप देखिए वो क्वेश्चन समझेंगे तो फिर आपको एग्जाम में पटवारी एग्जाम सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा तो बहुत आप आसानी से निकालेंगे। वैसे देखिए आपको मैंने समझा दिया कि जो उसके पीछे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपको वैसे खुद निकाल लेने चाहिए, परंतु मैं इस क्वेश्चन में आपको 2-3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा। तो देखते हैं और क्वेश्चन का, देखिए बताऊंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके जी क्वेश्चन बहुत सिंपल है परंतु इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि देखिए इसमें आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि ए मैन क्रॉसिस ए रोड 250 मीटर वाइड इन 75 सेकेंड्स, ही स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। तो क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 250 मीटर लंबे रोड को 75 सेकेंड में पार कर लेता है, ठीक। यानी कि क्वेश्चन ऐसा हो कि एक आदमी 250 मीटर, सॉरी चौड़ा आएगा, लंबा नहीं आएगा, 250 मीटर चौड़े रोड को, सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो आपने बताना कि उसकी चाल क्या है।
किलोमीटर प्रति घंटा में बताना आपने, ठीक। तो देखिए आपको दे रखा है दूरी 250 मीटर, ठीक, दे रखा है। समय भी दे रखा है 75 यानी कि 75 सेकंड। तो देखिए आपने निकालना है चाल, वो निकालनी, परंतु आपने किस किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है आपने चाल। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए है तो सिंपल ही, सिंपल सा चाल का फार्मूला लगा देंगे, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, परंतु देखिए यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए आप चाहे तो पहले भी मीटर को अलग से जहाँ किलोमीटर चेंज कर सकते हैं, 75 को सेकंड को अलग से घंटे में जहीं चेंज कर सकते हैं, परंतु देखिए आपने ऐसे नहीं करना। आप पहले चाल निकाल लीजिए, वो आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में, फिर आपको पता है मीटर पर सेकंड को अगर आपने किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चाल क्या होगी, दूरी बटे समय, दूरी दे रखी 250 मीटर, समय दे रखा 75। तो देखिए 25 3 बार जाएगा जी, 25 3 यानी कि 10/3, 10/3 देखिए मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, परंतु हमने निकालना किस में, घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है हमने चाल। तो मैंने आपको कहा कि 10/3, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो आप देख ली, मैंने कहा अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप करेंगे 5/18 से गुणा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तब आप करेंगे 18/5 से गुणा। तो इसे 18/5 से गुणा कर दिए, 3 6 5 2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अब और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन ठीक रहेगा, देखिए मुश्किल तो नहीं है परंतु इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि ए ट्रेन पासिस ए 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार कर लेती है, या क्रॉस कर जाती है, ठीक है, पार कर लेती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को या स्टेशन पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो आपने बताना कि स्पीड कितनी थी ट्रेन की, ठीक, तो स्पीड कितनी होगी ट्रेन की। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 50 मीटर लॉन्ग यानी कि 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करती है वो 14 सेकंड में, और स्टेशन पर खड़े एक आदमी को पार करती है वो 10 सेकंड में, ठीक, स्टेशन पर खड़े आदमी को जो पार करती है, खड़े आदमी है कोई, देखिए क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया ने, खड़े आदमी 10 सेकंड। तो अब आपको बताना है कि उसकी चाल कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि जब कभी भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसकी किसी भी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिस चीज़ की खुद की भी कुछ लंबाई हो, तो जो रेलगाड़ी टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वे होगी उस चीज़ की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की अपनी लंबाई। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने दूरी प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड का वक्त लेती है ना वो रेलगाड़ी, तो मुझे बताइए हम दूरी काउंट कौन सी करेंगे, दूरी हम वो काउंट करेंगे जो दूरी वो प्लेटफॉर्म को पार करने में या प्लेटफॉर्म को पार करने में तय करेगी। तो वो हम काउंट कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होगा, तो जहाँ से जब रेलगाड़ी शुरू हो जाएगी प्लेटफॉर्म को पार, तब हम दूरी काउंट करना शुरू कर देंगे जहाँ से जहाँ तक, तो प्लेटफॉर्म की जितनी दूरी उतनी दूरी तय कर ली, परंतु अभी तक रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में दे रखा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में क्रॉस करने में वो 14 सेकंड का वक्त लेती है। तो क्रॉस कब करेगी, जब रेलगाड़ी का लास्ट डिब्बे का भी जो लास्ट एंड होगा वो इसको पार कर जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए रेलगाड़ी का जो लास्ट रेलगाड़ी जा रही है ऐसे इतनी आगे चलेगी, अब रेलगाड़ी का लास्ट डिब्बे का भी जो पिछला हिस्सा सबसे वो इस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने जाने के वो अब इसको क्रॉस कर रही है। तो अब मुझे बताइए प्लेटफॉर्म को जब तक उसने क्रॉस नहीं किया था, जब क्रॉस जब उसने कर लिया तो उसने टोटल दूरी कितनी तय कर ली। अब देखिए जब वो उसको क्रॉस कर रही है तो रेलगाड़ी जितनी खुद लंबी है उतनी वो आगे भी जा चुकी है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने जो टोटल दूरी तय की वो तो जहाँ तक, तो उसने प्लेटफॉर्म की जितनी दूरी उतनी तय की, परंतु जब अभी तक उसने क्रॉस नहीं किया था, जब वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के सामने थी तो वो उतना आगे भी, जितनी उसकी अपनी लेंथ है उतना वो आगे भी, जितना रेलगाड़ी की खुद की लंबाई उतना वो आगे भी जा चुकी, यानी कि उसने जो टोटल दूरी तय की वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई, ठीक। देखिए आप प्रैक्टिकली अपने मन में या अपने दिमाग में इमेज बनाकर सोच सकते हैं कि जब उसे पार करेगी तो रेलगाड़ी जितनी उसकी खुद की लंबाई उतना आगे भी चल चुकी होगी वो, ठीक। तो टोटल दूरी जो होती है किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी ऐसी चीज़ को पार करने में जिसकी खुद की लंबाई हो, तो वो होती है उस चीज़ की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखिए 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी हमें दे रखा है, नहीं 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जो दे रखा हमें, और 14 सेकंड हमें टाइम भी दे रखा है। तो देखिए मैं जहाँ से क्या निकाल सकता हूँ,
50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, देखिए मैं जहाँ से निकालता हूँ चाल, चाल क्या होगी दूरी बटे समय, दूरी कितनी प्लेटफॉर्म को पार करें, टोटल दूरी कितनी तय करेगी 50 प्लस रेलगाड़ी की खुद की भी तो दूरी ऐड करेंगे ना हम, तो मान लीजिए वो एक्स थी, नीचे समय कितना लिया उसने 40 सेकंड लिया ठीक उसे पार करने में। और अब देखते हैं, देखिए जहाँ से कुछ भी निकल कर नहीं है हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता। अब देखिए एक और कंडीशन भी हमें दे रखी है कि स्टेशन पर खड़े एक आदमी को वो 10 सेकंड में पार करती है ठीक। तो देखिए अब बंदा खड़ा है, बंदे की खुद की कोई लेंथ तो नहीं होगी, लंबाई ऊपर को हाइट होगी उसकी, लेंथ थोड़ी ना होगी बंदे की। मान लीजिए बंदा खड़ा कोई सीधा से, अब रेलगाड़ी से पार करेगी, मान लीजिए जब इसे पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, जितनी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। देखिए जहाँ पार कब करेगी, जब रेलगाड़ी का लास्ट डिब्बा इसे क्रॉस कर जाएगा, जब इसके लास्ट डिब्बा क्रॉस करेगा तो रेलगाड़ी आगे कितना चल चुकी होगी, जितनी उसकी खुद की लंबाई है ठीक, पहले डिब्बे से लेकर लास्ट डिब्बे तक, यानी कि उसकी खुद की जितनी पूरी लंबाई, यानी कि किसी खड़े बंदे को या किसी खंबे को या किसी बंदे को जिसकी खुद की लेंथ ना हो उसे पार करने में जितनी दूरी तय करेगी रेलगाड़ी वो उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी उसकी अपनी लेंथ है। तो यानी कि जहाँ पर कितनी दूरी में क्या लिखूँगा, एक्स ही लिखूँगा, जितनी दूरी को मैंने एक्स माना उसकी दूरी को 10 सेकंड। अब देखिए चाल तो सेम ही होनी चाहिए दोनों कंडीशनों में, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करिए चाहे वो इसको पार करिए बंदे को, तो दूरी तो चाल वो सेम ही चाल से चल रही है। इसका मतलब मैं दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर सकता हूँ, यानी कि 40 को मैं एक्स बटे 10 के बराबर, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 500 + 10x = 40x। तो 10x इधर चले जाएगा, x x वाले हम एक साइड करेंगे, 10x चले जाएगा, यानी कि 30x = 500 के बराबर आ जाएगा। x किसके बराबर जाएगा, 500/30, 1 से 1 यानी 50/3। हम देखिए दूरी थी मीटर में, समय था सेकंड में, यानी कि जो हमारे पास निकल कर है वो है मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कह रखा था कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है अपनी चाल, तो बस इस 50/3 को आपने 18/5 से गुणा कर देना था, 3 6 5 10, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 60 होगा ना, सॉरी 2 होगा, यानी 10 ही होगा, 10 3 6 18 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होता है। देखिए अगर कोई कैलकुलेशन गलत हो तो पता नहीं, परंतु देखिए अगर कैलकुलेशन गलत हो परंतु करना ऐसा ही है इस क्वेश्चन को, 50 मीटर + x 40 सेकंड का, 14 सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में 14 दे रखा, परंतु देखिए मैंने 40 लिया तो आप 40 से इससे कर, देखिए क्वेश्चन में 14 दे रखा परंतु देखिए 14 लिख लीजिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी दो पुलों को, जिसकी जिन पुलों की एक पुल की लंबाई 800 मीटर दूसरे की 400 मीटर, इन दोनों पुलों को 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपने बताना कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक दो पुल हैं, एक की लंबाई 800 मीटर एक की 400 मीटर ठीक है, ये पुल हैं ठीक, पुल एक पुल दो, तो इन दोनों पुलों को पार करने में अगर पहले पुल की बात करें तो इसको वो 100 सेकंड का वक्त लेती है पार करने में, अगर दूसरे पुल की बात करूँ तो 40 तो दूसरे पुल की बात करूँ तो बस 60 सेकंड का समय लेगी ठीक। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, निकल कर आएगा मीटर पर सेकंड, निकल कर आएगा मीटर पर सेकंड, आपने निकालना किलोमीटर पर घंटे में, चाल को आप 18/5 से गुणा कर देंगे, परंतु देखिए आप निकालना आपने चाल नहीं है, आपने निकालना लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए वो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, आप मुझे बताइए कैसे निकालेंगे। तो देखिए दो पुलों को पार किए, तो पुलों को पार करने में कितनी दूरी तय होगी, जितनी पुल की लंबाई प्लस अपनी। तो मैं पहला पुल उस पहले हम पहले पुल का डिस्कस करते हैं ठीक। तो पहले पुल में आपको 800 + x करेंगे बटे 100 कर देंगे, 100 ही दे रखा 100 सेकंड। देखिए चाल निकालेंगे, मैं क्यों चाल निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें दूरी और समय दे रखा, तो चाल निकालूंगा, फिर मैं दोनों चालों को बराबर कर दूंगा जहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। अब पुल दूसरे, अब मैं दूसरे पुल की बात करता हूँ, वहाँ 400 देर का, रेलगाड़ी तो सेम ही है, एक्स ही होगी उसकी, तो 60 होगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को बराबर कर दूंगा। अब देखिए आप इन दोनों इक्वेशनों को बराबर करके एक्स की वैल्यू खुद निकालेंगे ठीक, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, उसे आप घंटे में किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी आपने एक्स ही निकालना है, वो आपकी आएगी किलोमीटर में या मीटर में, मीटर में आएगी वो आपकी ठीक। अगर किलोमीटर में बोला तो मीटर को आप किलोमीटर में बदल ही सकते हैं, मीटर को किलोमीटर बदल के आप 1000 से भाग कर देंगे ठीक। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। आप एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी
रेलगाड़ी जिसकी स्पीड, जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वे स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगी? ठीक, आपने निकालना समय, वो भी स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय, वो निकालना है, परंतु वो समय हमने निकालना है सेकंड में। ठीक, सेकंड में निकालना है, तो देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए बंदे को मैंने कहा, जब भी बंदे या किसी पेड़ को, मैं यानी खम्भे, मतलब ऐसी चीज़ को जिसकी खुद की लेंथ ना हो, उसे पार करेगी तो वो उतनी ही दूरी तय करेगी रेलगाड़ी जितनी की रेलगाड़ी की खुद की लंबाई, यानी कि 75 मीटर ही दूरी तय की थी, 75 किलोमीटर, 75 मीटर ही दूरी रेलगाड़ी ने तय की होगी उस बंदे को पार करने में। तो मैं निकाल लेता हूँ जहाँ से समय, तो समय कैसे निकलेगा, समय का फार्मूला क्या होगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या होगी, 75 मीटर ही तय करेगी, मीटर, चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे का, जब प्रति की लिखते हैं तो घंटा ऊपर चला जाता है, तो देखिए हमें ये, मैं वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अब देखिए आपका आंसर सेकंड में आना चाहिए, तो सेकंड में कैसे निकलेगा, जहाँ घंटे की जगह अगर सेकंड हो, ठीक, और डिस्टेंस की जो या दूरी की जो यूनिट है वो कटनी चाहिए, सिर्फ सेकंड बचना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने सिर्फ वैसे लिखने के लिए बताया, आप पहले ही 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। अब आपने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना, तो आप क्या करेंगे, 20 को 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपने मीटर पर सेकंड में बदलना, अब इसे तो देखिए कुछ कटता है 10, 9, बस इतना ही कटेगा, यानी कि 50/9 आएगा। ठीक, तब अब क्या करेंगे, 75 मीटर बटे 50 मीटर पर सेकंड में आ गया, अब आपकी 50/9 मीटर पर सेकंड में होगी, अब चाल 50 मीटर, यानी कि 50/9 मीटर पर सेकंड, 50 बटे जब लिखूंगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, उसके साथ सेकंड लगा होगा, क्योंकि 50/9 मीटर पर सेकंड, पर का मतलब होता है भाग, तो जब सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मीटर से मीटर कटा, 25 से 3, 25 से 2, यानी कि आपका जो आंसर आया वो है 27/2 सेकंड। देखिए अब सेकंड ही बचा, 27/2 का आप 13.5 लिख सकते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 13.5 सेकंड भी लिख सकते हैं इसे आप, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी मैं मैथ की क्लासेस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सभी कह रहे कि सर पहले एचपी जीके पूरी कीजिए, तो इसलिए, परंतु मैंने कहा कि आपको थोड़े क्वेश्चन में समझा देता हूँ, और देखिए इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मेन बात है कि आपको यूनिट चेंज करनी आनी चाहिए, और आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कि हम जो दूरी लेंगे वो कितनी लेंगे, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने क्वेश्चन आपको लगभग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवाए दिए, बाकी मैं इसके और क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, और देखिए बाकी मैं दो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे करने हैं, कि जब एक ही दिशा में जा रही हूँ तो हम माइनस कर देंगे उनकी चाल को, जब विपरीत दिशा से आ रही हूँ तो प्लस कर देंगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए अब। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, वैसे जे जल्दबाजी में ही वीडियो बनाई गई है आपके लिए, परंतु आप टेंशन मत लीजिएगा, जे रेलगाड़ी और इसके जब मैं मैथ की क्लास लूँगा इस टॉपिक को फिर से करवाऊंगा, और बिल्कुल इस तरीके से करवाऊंगा, इससे बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगे। ठीक, जो तो मैंने आपको थोड़ा क्वेश्चन मैंने ना नहीं करवा पाया था पहली वीडियो में, इस करके मैंने ये वीडियो बनाई, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।